हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का 6 जुलाई को जो इंटरव्यू हुआ है उसका बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हुआ आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं वो सब क्वेश्चन कौन कौन से हैं पूछे गए हैं। वो था कि किसी मोड़ पर मुड़ते समय साइकिल सवार अंदर की ओर क्यों झुक जाता है। तो आप लोगों ने साइकिल अगर चलाता होगा तो एक बात का ये ध्यान जरूर रखते होंगे कि साइकिल मुड़ाते समय या साइकिल मोड़ की ओर, मतलब जिधर मुड़ाते हैं उधर की ओर आप झुक जाते हैं, साइकिल थोड़ा झुक जाता है तो वो क्यों झुकता है। तो मोड़ पर घूमते समय साइकिल सवार संतुलन को बनाए रखने के लिए अंदर की ओर झुक जाता है। तो ये इसका आंसर है, इसे ध्यान रखें। ये सब जनरली जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो है स्टीम इंजन का आविष्कार कब और किसने किया। यहाँ दो क्वेश्चन हो जाता है एक ही क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है एक ही क्वेश्चन पूछा गया हो उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला जो क्वेश्चन था स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो 1769 ईस्वी में स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। और किसने किया था स्टीम इंजन का आविष्कार, तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। इसके बाद क्वेश्चन जो है लैक्टोमीटर से क्या कार्य करते हैं। लैक्टोमीटर आप लोग जानते हैं कि दूध की शुद्धता मापने के लिए बनाया गया है, तो यह दूध को मापने का कार्य करता है, दूध की शुद्धता को मापने का कार्य करता है। इसके बाद एक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें है कि किसी मोटर अथवा गाड़ी, यहाँ पर हाँ ठीक है, किसी मोटर अथवा अन्य गाड़ी की चाल का पता कैसे लगाते हैं। तो मोटर या गाड़ी की चाल का पता कैसे लगाते हैं, तो स्पीडोमीटर द्वारा। स्पीडोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो कि किसी भी मोटर अथवा गाड़ी की चाल का पता लगाया जा सकता है जिसके माध्यम से। इसके बाद पूछा गया रिहंद परियोजना कहाँ पर है। रिहंद परियोजना कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र जिला है जहाँ पर रिहंद परियोजना है। तो रिहंद बांध है, यो इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था और इस योजना के अंतर्गत रिहंद नदी के ऊपर बांध बनाया गया। और रिहंद नदी यहाँ पर है पिपरी के पास है, पिपरी के पास एक बिजली घर बनाया गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है जो कि पिपरी नामक स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो गुरुदेव नाम किसके लिए पुकारा जाता था, मतलब गुरुदेव नाम से किसे पुकारा जाता था। तो गुरुदेव नाम से जी रविन्द्रनाथ टैगोर को पुकारा जाता था, आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद एक चीज़ ये है कि फेसबुक पर मैंने ग्रुप चला रहा है, तो अगर आप लोग उस ग्रुप से या पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और ग्रुप से मैं ज्वाइन कीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो टैब कुंजी आप लोग देखे होंगे कि जो कीबोर्ड होता है उसमें बाएं साइड में कैप्स लॉक के ऊपर ही टैब कुंजी होता है। तो टैब कुंजी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए। तो मान लीजिए कि कर्सर यहाँ पर है, तो इसे टैब अगर आप दबाते हैं तो वो कुछ दूरी पर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर दबाएंगे तो यहाँ, फिर दबाएंगे तो यहाँ। तो इस तरह से कर्सर को बढ़ाने का या चलाने का काम करता है स्क्रीन पर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी आप लोग जानते ही होंगे कि देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है हिंदी। हिंदी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर हिंदी भाषा राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये सब पूछा जा सकता है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी की बोली बताओ। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा आती है, बांगरू आती है, बुंदेली आती है, ये सब याद रखिएगा। हिंदी सही है प्रत्येक का संधि विच्छेद करो। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक मतलब कि प्रत्येक, ई और ए यहाँ पर मिलकर बन रहा है, ए बना रहा है दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
यूएसए की मुद्रा बताऊं, यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर होती है यूएसए की मुद्रा। उसके बाद पूछा गया एक चीज है कि मुद्रा वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुद्रा से भी कुछ क्वेश्चन है। ये इसी दिन 6 जुलाई वाले में ही तो लोगों से पता चला कि मुद्रा का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम है डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उसे आप 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपको ये ना ही पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी ना ही कॉपी। आपको 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपको ये पूरा पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो आप लोग को याद ही होंगे इनमें से, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो याद नहीं है तो वो सिर्फ 1 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो वो आपका ये आराम से याद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। इसके बाद पूछा गया सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है सबसे तेज मेमोरी। ये क्वेश्चन शायद पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। तो ये देखिए यूट्यूब पर मेरा डायरेक्ट लिंक जो है, इसे आप सर्च करते हैं सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर यूट्यूब के बाद, तो डायरेक्ट लिंक है मेरा, वीडियो डायरेक्ट आ जाएगा खुलकर, तो आप देख सकते हैं। आगे चलिए देख, पूछा गया वो था कि यदि, हाँ मैथ का क्वेश्चन, यदि क एक काम को 30 दिन में कर सकता है तथा ख उसी काम को 40 दिन में करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? एक चीज ये बात ध्यान ये है कि मतलब कि वहाँ पर जो भी हैं इंटरव्यूअर हैं वो सब तो मतलब कि काफी पढ़े लिखे हैं, कुछ बूढ़े भी हो चुके हैं, मतलब कि पहले का पढ़ाई है तो उन लोग का ए बी के जगह पर जिसे हम लोग इस समय पढ़े वो है कि यदि ए किसी काम को इतने दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो उसी तरह से ए बी की जगह पर क ख रखा गया है। तो इस बात पर चाहे तो क ख में अगर समझने में दिक्कत है तो ए बी रख कर आप कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, यदि क किसी काम को एक काम को 30 दिन में कर सकता है तथा ख उसी काम को 40 दिन में करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो मैंने सॉल्व किया तो इतना दिन आया है, 17.5 सही, 1/7 दिन में समाप्त करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहा गया है। आनंद भवन कहाँ पर है? तो आनंद भवन आप लोग जानते ही हैं इलाहाबाद में है, इलाहाबाद के प्रयाग में है आनंद भवन। इसके बाद पूछा गया फिलीपींस की मुद्रा बताओ, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? देखिए इससे पहले अभी यूएसए की मुद्रा पूछा गई थी और फिर फिलीपींस की मुद्रा पूछा गया है, तो पीसो और फिलीपींस की मुद्रा है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए मेरे सारे वीडियो की तो उन सबका पीडीएफ मैंने बनाया है, आप चाहे तो गूगल पर इच्छा सेंटर ऑफ एजुकेशन डालकर सर्च कर लें और वहाँ से मेरे सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात करेंगे? हिडन फाइल की संख्या कहाँ से ज्ञात करेंगे? डायरेक्ट कमांड से हिडन फाइल की संख्या ज्ञात करते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन, 1 नैनो कितना के बराबर होता है? तो 1 नैनो 10 की घात -9 को, ये 9 1 नैनो के बराबर होती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, 1 GB कितने के बराबर होता है, कितने MB के बराबर होता है यहाँ होना चाहिए, तो 1 GB 124 MB के बराबर होता है। यहाँ एक बात और बता दे रहे हैं कि 1 GB, जैसे जीबी का मतलब भी पूछा जा सकता है कि जीबी का मतलब क्या होता है, तो जीबी का मतलब गीगाबाइट होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, गीगाबाइट होता है। एमबी का मतलब मेगाबाइट होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। एक बात ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है,
जो भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं मैंने उसे अपने वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि वो सब प्रश्न ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन हैं कि जो कि दोहराया जा चुका है पहले से ही, तो वो सब क्वेश्चन पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं खुद जाकर, तो इसलिए मैंने आगे नहीं लिया है इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, सारा सारा वीडियो, क्योंकि तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कोई क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। और चलिए आगे चलिए देखते हैं। सोचना ये है कि जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे, और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा यूट्यूब पर, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते जाए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो सब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में करें शेयर, ताकि उनसे भी कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए इंटरव्यू का। धन्यवाद।